बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सदगुरु महाराज की प्राणाधार आत्मसमति सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने सुना था कि किस तरह से नलिया में बिहारी जी के साथ वार्तालाप होती है उसका परिणाम क्या निकलता है कैसे बिहारी जी जाके के के राजा के पास चुगली लगा देते हैं किस तरह से जिस नाव में सुंदर साथ बैठे होते हैं श्री जी उस पर नहीं बैठ पाते और पैदल यात्रा करते हुए धोराजी जी पहुंचते हैं वहाँ एक कीर्तन अवतरित होता है धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी वहाँ से फिर सुहाली और सुहाली से सूरत पहुंचते हैं सूरत की बीतक क्या है इस विषय में भी हम सुन रहे थे कि कैसे भीम भाई श्याम भट्ट और गोविंद जी व्यास की जागनी हो रही है अब वहाँ बिहारी जी ने एक पत्र लिखा और उसमें तीन बातों का प्रतिबंध लगाया अथवा तीन नियम उन्होंने बनाए तो कल की अंतिम चौपाई जो हमने पढ़ी बिहारी जी इन समय पाति लिख भेजे कलाम तीन बात का बंधेज हम किया इस ठाम हम किया इस ठाम सो तुम भी कीजियो अब बिहारी जी ने कहा कि हमने तो यहां पर इन तीन बातों का पालन करना शुरू कर दिया है आप भी इन नियमों का पालन करना और कराना शुरू कर दीजिए ये मेरी इच्छा है यदि ऐसा करेंगे तो हमारे धर्म का प्रचार होगा और वो तीन नियम कौन कौन से थे सबसे पहला नियम उन्होंने बनाया कि एक तो नीच जात को सुनाईयो नहीं तारतम बिहारी जी कहते हैं कि छोटी जात वालों को तारतम नहीं देना है और हमने परसों की ही चर्चा में जाति के विषय में सुना कि वास्तव में जाति किसे कहते हैं जन्मना जाति व्यवस्था में क्या क्या त्रुटियां हैं किस तरह से ये ये गलती नहीं ये अपराध है केवल जन्म के कारण केवल विशेष कुल में जन्म के कारण किसी को हर प्रकार की उपलब्धि अथवा हर प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखना किसी को हेय दृष्टि से देखना घृणा करना यह अपराध है तो मुझे लगता है कि परसों वाली चर्चा को एक बार सुंदर साथ यदि अच्छे से जो जानना चाहते हैं नए सुंदर साथ तो धारा भाई के प्रसंग में हमने जाति की व्यवस्था बहुत अच्छे से सुनी है बहुत अच्छे से की है तो पहला नियम उन्होंने बनाया कि छोटी जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है दूसरा नियम उन्होंने बनाया विधवा स्त्री को भी तारतम्य नहीं देना है क्यों देखिए समाज में विधवा स्त्री का क्या सम्मान होना चाहिए यह वेदों ने हमें सिखाया है वेद ने क्या कहा अमूमन स्त्री विधवा कब होती है कम से कम भी उसकी उम्र पैंसठ सत्तर साल की होती है तभी सामान्य हिसाब से मैं बता रहा हूँ कभी कभी हो सकता है कि कई बार हमने देखा कि बहुत सारे जो युवा हैं देश के लिए शहीद हो जाते हैं सीमा पर जा करके तो कम उम्र में भी स्त्री विधवा होती है पर जहाँ सामान्य नियम की बात की जाए सामान्य प्राकृतिक मृत्यु होने पर सत्तर पचहत्तर अस्सी साल की उम्र तक स्त्री विधवा होती है तो वहां वेद ने क्या विधान किया कि जो स्त्री विधवा हो जाए तो उसके लिए कहा कि उसे समाज में आगे किया जाए अग्रेकृतम आगे करने का तात्पर्य क्या है और क्यों है विधवा स्त्री को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है पहली बात तो यह है कि समस्त स्त्री जाति के लिए चाहे वेद हो चाहे मनुस्मृति हो अपना पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हैं वेद का ज्ञान तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सबके लिए बराबर ही है मनुस्मृति में यहाँ तक कह दिया यत्र नारियस्तु पूज्यंते रमनते तत्र देवता जहां नारियों का सम्मान होता है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है वहां देवता रमण किया करते तो जब कोई भी स्त्री सत्तर पचहत्तर वर्ष की हो गई है इसका मतलब यह है कि अब गृहस्थ की जिम्मेदारी से पूरी तरह से वह मुक्त हो चुकी है और घर पर दिन भर उसको रखे रहना बिना काम के तो ये चिंता का ही घर होगा क्योंकि अकेला रहने पर तो कितनी चिंता होती है बिना बात की भी चिंता करते हैं अकेला रहने पर तो युवा व्यक्ति भी चिंतित हो जाता है तो वृद्धावस्था में स्वाभाविक है इसीलिए वेद ने आदेश दिया कि ऐसे स्त्री को समाज में आगे बढ़ाया जाए आगे बढ़ाने का तात्पर्य है कि उनके अनुभवों से समाज शिक्षा ले उनका नेतृत्व लाभ लिया जाए जीवन भर में उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है चाहे वो गुरुकुल में जाकर के हो या फिर अपने जीवन से उस शिक्षा का लाभ लेने के लिए स्त्री को आगे किया जाए ये वेद का विधान था अब बीच में कुछ स्वार्थी पंडितों ने क्या किया कि अपने जितने भी प्रतिद्वंदी होने की संभावना थी उन सबको उन्होंने षड्यंत्र के तहत समाप्त करते गए प्रतिद्वंदी कौन किसी भी स्वार्थी व्यक्ति का स्वार्थ कब सिद्ध होता है बताएं जब समाज अज्ञानी हो तब समाज में ज्ञान हो तो किसी का भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है इसीलिए जितने भी स्वार्थी लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ज्ञान का प्रचार हो जहाँ ज्ञान का प्रचार होता हुआ दिखेगा तो वहां ऐसे प्रचारकों को ऐसे ज्ञानियों को किसी न किसी रूप में समाप्त करने की हटाने की कोशिश करेंगे साजिश करेंगे तो मध्यकाल में इसी तरह के जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने क्या सोचा देखिए सामान्य रूप से देखा जाता है परिवार में जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह पुरुष ही शिक्षित होता है पर जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है क्यों क्योंकि पुरुष ने तो शिक्षा ग्रहण कर ली और उसका पूरा जीवन किस में बीत जाता है दिन भर जाओ उस शिक्षा का किसी न किसी व्यवसाय में उपयोग करो शाम को आओ भोजन खाओ जो घर में बनाया बनाया है और फिर सो जाओ बहुत कम ऐसे पिता होते हैं जो घर में बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान देते हैं ये जिम्मेदारी स्त्रियों की ही मानी जाती है अब स्त्रियाँ क्योंकि सामान्य रूप में आजकल की भी आधुनिक युग की, की स्त्रियाँ भी भले ही कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो पर जब उनका बच्चा हो जाता है तो कम से कम छः वर्ष तक पांच से छः वर्ष तक वह स्त्री ही बच्चे का पालन पोषण करती है तो स्कूल भेजने से पहले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भेजने से पहले उस बालक या उस बालिका के जितने भी प्रारंभिक शिक्षा होती है और जितने भी संस्कार होते हैं वो देने वाला कौन होता है वो देने वाली होती है उसकी माता इसीलिए माता को प्रारंभिक गुरु कहा जाता है तो उन स्वार्थी पंडितों ने सोचा कि यदि स्त्री शिक्षित हो गई तो समाज शिक्षित हो जाएगा समाज को शिक्षा से वंचित करने के लिए अब स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा और ये कहा जाने लगा कुछ मनगणंत श्लोकों की रचना करके कुछ मनगणंत अर्थ का अनर्थ करके कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है स्त्रियों को संस्कृत पढ़ने का स्त्रियों को गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं है अरे बताइए हमारे ही देश में उपनिषदों के अंदर कुछ ऋषि पत्नियों का उदाहरण आता है जो उन ऋषियों के समान ही ज्ञानी थी चाहे आप गार्गी को ले लीजिए मैत्रेयी को ले लीजिए अपाला को लीजिए घोषा को लीजिए भारती को लीजिए अरे हमारे यहां तो विद्या की देवी कौन है सरस्वती विद्या का देवता नहीं बोलते हम विद्या की देवी बोलते हैं स्त्री को अबला है अबला है कहते हुए कमजोर किया गया जबकि शक्ति की देवी कहते हैं दुर्गा को धन की देवी होती है अब एक तरफ तो हमारी परंपरा देवियों की पूजा करवाती है और यही परंपरा में बीच में भेद डाल करके लोग इस तरह से स्त्री को शिक्षा से वंचित किए जा रहे थे जैसे ही स्त्री को शिक्षा से वंचित किया तो क्या हुआ समाज में देखा जाए तो क्या होता है प्रतिशत कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है वरना पचास पचास प्रतिशत ही तो है ना जाति के हिसाब से देखा जाए तो स्त्री जाति और पुरुष जाति दो हो गए तो आधे हो गए स्त्री को शिक्षा से वंचित किया इसका मतलब ये कि पचास प्रतिशत तो बाजी वो वैसे ही जीत रहे थे जो स्वार्थी थे और साथ में अब एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद में उन शिक्षित स्त्रियों से जो लोग शिक्षित होने वाले थे वह भी अब कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित होते गए अब फिर उन्होंने क्या किया 50 प्रतिशत स्त्रियों को शिक्षा से हटा दिया फिर शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया उसके बाद में फिर वैश्यों के लिए भी निश्चित कर दिया कि इतना ही पढ़ सकते हैं लौकिक तो पढ़ सकते पर वेद नहीं पढ़ सकते ऐसा कह करके आधे अधूरे बात बता बता करके मनमाने नियम लगा लगा करके समाज को अशिक्षा के अज्ञानता के गहरे गर्त में उन्होंने डाल दिया और इन्हीं लोगों का स्वार्थ था कि इन्होंने सती प्रथा की शुरुआत कर डाली सती प्रथा में उनका स्वार्थ क्या था कि यदि इनको आगे बनाया जाता है तो क्या होगा हमें कौन पूछेगा क्योंकि सामान्य रूप में मैंने देखा है मैंने महसूस किया है कि जैसे स्त्रियों में कुछ कमी तो होती है जो पुरुषों में भी होती है कुछ कमियां अलग अलग पर सामान्य रूप से स्त्री का स्वभाव है कि जो है वो बोल देती है जो भी दिल में है वो बोल देती है तो इस हिसाब से यदि किसी स्त्री को समाज में आगे किया जाएगा तो समाज का कल्याण होगा क्योंकि जहां उसको कमी दिखाई पड़ेगी वो बोल देगी अब पंडितों ने सोचा कि यदि इसी की बात सुनेंगे तो हमें कौन पूछेगा इसलिए उन्होंने जो वेद में कहा था अग्रे कृतम आगे बढ़ाया जाए उसको उन्होंने थोड़ा सी बिंदी लगा दी और अग्रे कृतम को अग्नि कृतम बना दिया कि आग में डाल दिया जाए इससे क्या होगा कि एक तो उनकी शिक्षा से समाज वंचित हो गया दूसरा उनकी संपत्ति किसके पास चली गई उन पंडितों के पास चली गई और ऐसे ही स्वार्थी पंडितों ने विभिन्न पुराणों की रचना करके या पुराणों में मिलावट कर करके ये दान ये दान फलाना दान कर करके अपना पेट भरने का अपने गुजर बसर का उसकी व्यवस्था कर ले तो ऐसे ही लोगों ने नियम बनाया था अब बिहारी जी भी उसी मानसिकता से ग्रसित थे तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले तो कहा कि नीची जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है और दूसरा विधवा स्त्री को भी तारतम नहीं देना है क्योंकि विधवा को उस समय समाज में हीन भावना से देखा जाता था आज से लगभग सत्तर अस्सी या सौ साल पहले तक भी यदि पति की मृत्यु पहले हो जाती थी तो समाज में और विशेष रूप से यदि कम उम्र में पति की मृत्यु हो जाए तो उस स्त्री को दोष दिया जाता था बोलते थे ये पति को खा गई इस तरह से इतनी मतलब कठोर यातना सहन करनी पड़ती थी एक तो पति गुमाया है पति गंवाया है सो अलग पर ऐसे आरोपों का भी सामना करना पड़ता था बिहारी जी ने भी कुछ ऐसा ही नियम बनाया और कहा विधवा स्त्री को भी ज्ञान तारतम ज्ञान नहीं देना है और तीसरा नियम क्या बनाया तीजे कहे हम तुम कि तीसरा नियम यह है कि तुम्हारे और मेरे बिना कोई तीसरा व्यक्ति तारतम्य नहीं दे सकता बिहारी जी का वश चलता तो श्री जी को भी तारतम देने नहीं देते पर क्योंकि उनको पता है अब श्री जी को भी रोक देंगे तो प्रचार प्रसार कौन करेगा और जो इस तरह से चढ़ावा आया क्योंकि अभी मिल के गए हैं अब्बासी बंदर का सारा चढ़ावा उनकी झोली में गया है तो उनको रोक नहीं सकते ये मजबूरी थी इसलिए उन्होंने श्रीजी को छूट दिया अन्यथा इतनी विशाल बुद्धि के या इतनी विशाल भावना के नहीं है कि वो जी को भी तारतम देने की छूट देते पर चलो इतनी बात उन्होंने रखी और कहा कि तुम्हारे और मेरे बिना कोई तीसरा तारतम नहीं देगा ये तीन नियम बनाए पहला जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर के कि नीची जाति के लोगों को नहीं देना है दूसरा विधवा स्त्री को और तीसरा कि दोनों के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति तारतम नहीं देगा और बिहारी जी इसमें और क्या लिखते हैं पूरे गौरवान्वित होकर के लिखते हैं कि यह तीन बात को जहूर की जो उत्तर धर्म उज्जवल देखियो कोई करे न निंदा की तो यदि ऐसी बात का पालन करेंगे तो हमारा धर्म उज्जवल होगा कोई हमारे धर्म की निंदा नहीं कर पाएगा अब जब श्री जी ने वो पत्र पढ़ा तो उन्होंने क्या किया कि बाहरी दृष्टि को छोड़कर आत्मिक दृष्टि से देखते हुए एक चिट्ठी लिखी और तीनों बात का जवाब उसमें लिखा और उसमें कहा कि हमारा जो संप्रदाय है वह श्री देवचंद्र जी के द्वारा चलाया हुआ है और उन्होंने क्या किया उन्होंने जात भेष को भान डारिया कि देवचंद्र जी ने तो जाति भेषभूषा इन दोनों के बंधन का सिर ही काट दिया मतलब अस्तित्व ही समाप्त कर दिया श्री देवचंद्र जी के सामने न किसी जाति का बंधन है न किसी प्रकार की वेशभूषा का बंधन है उन्होंने क्या किया देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शिश जहां भी परम धाम का अंकुर देखा उसी को ही उन्होंने तारतम ज्ञान बख्शिश की है प्रदान की है और आप क्या कर कह रहे हो आप जाहिरी बात को देख करके इस तरह के नियम बना रहे हो आप देखिए प्रत्यक्ष में देखिए कि खोजीबाई कौन थी मुसलमान स्त्री थी और विधवा भी थी तो आपके दो प्रश्न का तो समाधान यहीं पे हो गया कि एक तो मुसलमान है उनको नीची जाति का समझा जाता है और दूसरा वह विधवा भी है पर उसके अंदर रई बाई की वासना जान करके रई बाई की आत्मा जानकर श्री देवचंद्र जी ने तारतम दिया इसीलिए कहते हैं सो ए बात तुम देखी है उनकी दृष्ट जात भेष पर नहीं देवचंद्र जी की दृष्टि जाति और वेश भूषा पर नहीं थी उन्होंने तो जहां परमधाम का अंकुर देखा वहीं पर उन्होंने बिना जाति देखे बिना वेश देखे तारतम ज्ञान प्रदान किया है और दूसरा जो आपने तीसरा प्रसंग रखा तीसरा प्रस्ताव रखा कि आपके और मेरे बिना कोई तारतम नहीं दे सकता उसके विषय में भी बता रहे पहले तो उन्होंने कहा कि वेद पुराणों में भी धर्म ग्रंथों में भी ये बात स्पष्ट लिखी है कि सोई लिखी वेद पुराण में जहां भक्त प्रकट हो तिनकी जात पात न देखिए ए वैकुंठ वालों की राह सोई देखिए वैकुंठ की राह अपनाने वाले भी जो वैष्णव होते हैं वो भी बहुत कट्टर होते हैं वैसे तो जाति के नाम पर भी लेकिन जहां भक्तों की बात आती है अजामिल की कथा आती है वाल्मीकि ऋषि का प्रसंग ले लीजिए नारद जी का प्रसंग ले लीजिए नारद जी को शूद्र कुल में उत्पन्न बताया जाता है वाल्मीकि का तो कुल का पता ही नहीं वो तो डाकू थे दस्यु वेदों में जाति के वर्णन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को तो जाति नहीं कहा है पर उन्हें मनुष्य में ही गिना है और जो डाकू इत्यादि हैं जिनको दस्यु कहा गया है उनको नीच माना है हेय माना है तो वाल्मीकि उन डाकुओं में पले बड़े हैं लेकिन जब उनके अंदर साधना का ज्ञान का प्रकाश हुआ उन्होंने रामायण जैसे अमर ग्रंथ की रचना करके आदि कवि कहलाए इसी तरह से नारद जी जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है ना ऐसा नहीं है तो हमारे सीरियल ने तो एक तो पहली बात यह कि हमारे इतिहास का बेड़ा गर्क कर रखा है जो लिखा है ग्रंथों में उसके विपरीत उल्टी सीधी उट बातें दिखा रखी है क्योंकि वो तो वो कहते हैं ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मनोरंजन के लिए कुछ भी किसी भी पात्र का कुछ भी वो दिखा रहे हैं नारद जी को जैसा दिखाया जाता है किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं है आप कोई भी उपनिषद खोल करके देख लीजिए जहाँ कठिनतम प्रश्न आए हैं उपनिषदों में तो वहाँ उसका उत्तर देने वाले नारद जी हैं सनकादिक को ज्ञान देने वाला कौन है नारद जी ने सनकादिक को ज्ञान दिया है एक नहीं अनेक स्थानों में नारद जी ही होते हैं जो विभिन्न प्रश्नों का समाधान करते हैं उनको देवर्षि ऐसे ही नहीं कहा है वो अध्यात्म की उच्च अवस्था तक पहुंचे पर शुद्र कुल में उत्पन्न थे कश्यप ऋषि है कश्यप ऋषि कौन है सप्तर्षियों में उनका नाम आता है सात महानतम ऋषियों में और वो कौन थे आज आप कश्यप गोत्र खोजने जाएंगे तो कश्यप गोत्र कौन मानते हैं पता है जो मल्लाह होते हैं ना मल्लाह समझते हैं कि ना जो नाविक होते हैं तो वो अपना गोत्र कश्यप बताते हैं कश्यप ऋषि की वो संताने हैं तो इस तरह से भक्त जहां भी प्रकट हुए हैं उनको भक्त के रूप में ही देखना चाहे प्रहलाद हुए राक्षस कुल में उत्पन्न हुए पर वो भक्त हैं उनकी महिमा है जब वैकुंठ वालों की ये राह है हम परमधाम की राह कितनी ऊंची होनी चाहिए और फिर आगे कहते हैं कि साथ सबे उतरियो चारों वर्णों मा ही सुंदर साथ कहाँ कहाँ उतरा है क्या केवल ब्राह्मण में सुंदर साथ आए हैं ऐसा तो नहीं है चारों वर्णों में ब्रह्म सृष्टि आई हैं और यदि ऐसा बंधन हम बांधते हैं तो उन ब्रह्मसिष्टियों की जागनी नहीं होने वाली और इसी तरह से यह भी लिखा श्री जी ने कि पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टिया इस तरह से आई है कि भिन्न भिन्न प्रांत है भिन्न भिन्न भिन वर्ण हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जातियाँ हैं भिन्न भिन्न भिन संप्रदाय हैं किसी एक स्थान पर तो आई नहीं है कि बैठे बैठे जागनी हो और जब पूरी दुनिया में तारतम ज्ञान फैलाना है तो केवल आप और मैं हम दोनों ही मिलकर के तो तारतम नहीं फैला सकते ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है जागनी के संदर्भ में कहते हैं सो so, हम तुम वस्तु को कहाँ लो कहते फिरें कहते तारतम ज्ञान आप और मैं हम दोनों ही कहां तक कहते फिरेंगे तारतम ज्ञान कहने का अधिकार और कर्तव्य किसका है कहते हैं जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे जिसके पास भी तारतम ज्ञान का उजाला हो वह उस उजाले को दूसरों तक पहुंचाए हम भी तो कहते हैं तुम सतगुरु दीपक भय किओ जो आप समान सदगुरु ने दीपक के समान बना दिया इसका तात्पर्य क्या है कि सदगुरु ने हमारे हृदय को ज्ञान रूपी दीपक से जलाया है अब एक जला हुआ दीपक दूसरे को जला सकता है फिर दूसरा दीपक तीसरे को ऐसे जला जला करके हम संपूर्ण विश्व में तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं इसलिए श्री जी ने कहा जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे तो ये हमारे लिए अधिकार है कि नहीं हमारा अधिकार है कि नितांतम फैलाने का लेकिन अधिकार की प्राप्ति कब होती है जब हम कर्तव्य पालन करते हैं अधिकार और कर्तव्य ये दो एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कर्तव्य का पालन करता है उसको अधिकार अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं होती अनायास ही प्राप्त हो जाती है जैसे वाणी में ना एक बहुत सुंदर बात कही है राज्य क्या कहते हैं कि सो तो दिया में तुमको सो खुले ना बिन तुम जो मेरी सुध दियो औरों को तित चले तुम्हारा हुक्म देखिए पहले क्या कहा जो मेरी सुध दियो औरों को ये कर्तव्य है कि दूसरों को राज्य की सुध देनी है और इसका अधिकार क्या प्राप्त होगा तित चले तुम्हारा हुक्म वहाँ पर आपका हुक्म चलेगा श्री जी ने इंद्रावती जी की आत्मा है मिहिर राज का तन है उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया जागनी का तो पन्ना जी तक पांच हजार सुंदर साहद की संख्या पहुंची है उनसे अधिकार नहीं मांगा कि सुंदर साहद जी मैंने आपको जगाया है तो आप पर मेरा अधिकार बनता है नहीं किया ना पर श्री जी के लिए तन मन जीव न्योछावर करने वाले सब सुंदर साथ थे नहीं ये कैसे हुआ जब मिहिर राज जी के शरीर ने उस जीव ने इंद्रावती जी की आत्मा का भाव लेकर के समर्पण किया सुंदर साथ की जागनी में उस जीव को लगाया तो सुंदर साथ ने भी सेवा की पूरा समर्पण किया यहाँ पर भी एक लौकिक उदाहरण से वर्तमान उदाहरण से भी समझा जाए तो स्वामी जी ने पूज्य सरकार श्री के द्वारा मिली हुई ज्ञान की निधि को प्रचार करने के कर्तव्य का पालन करना शुरू किया ऐसे ही और भी सुंदर साथ हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं अब जितने भी सुंदर साथ जो राज्य की पहचान को समाज में पहुंचाने में लगे हुए हैं तो सुंदर साथ उनका सम्मान करता है कि नहीं करता है और जो जितना अधिक त्याग करता है समाज उनकी त्याग का उतना ही अधिक सम्मान करता है इसीलिए अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं इस बात को हमें समझना चाहिए यदि हम अधिकार चाहते हैं पहली बात तो ये कि अधिकार चाहने की कोई चीज नहीं होती है यदि हमारे मन में पहले ही अधिकार की इच्छा है तो ये बिहारी जी और हम में कोई फर्क नहीं है कर्तव्य पालन कीजिए अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी तो इस तरह से श्री जी ने पूरी चिट्ठी लिखी और फिर साथ में तब तक कलश गुजराती का भी अवतरण हो चुका था वो कलश गुजराती भी उसकी प्रतिलिपि बना करके उसकी एक कॉपी तैयार करके बिहारी जी के पास भेजी गई अब बिहारी जी ने जैसे वो पत्र पढ़ा उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने तीन नियम बताए चलो तीन में से एक का पालन करते पर इन्होंने तो एक भी नहीं किया और साथ में कलश भेज दी अब कलश में क्या था वाणी में तो पूरी की पूरी इंद्रावती जी की महिमा है कलश गुजराती है वाणी क्या कहती है इंद्रावती ने हूं अंगे संगे इंद्रावती मारु अंग जे अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाणु रंग कि मैं इंद्रावती के अंग संग हूँ मतलब मुझ में और इंद्रावती में कोई अंतर नहीं है और जो अपना हृदय इंद्रावती जी को समर्पित करेगा तो वह समर्पण मुझ पर ही माना जाएगा कि मेरे ऊपर ही समर्पण किया गया है और उसे मैं अपने प्रेम से खिलाऊंगा अथवा अपने प्रेम के आनंद में डुबोऊंगा अब इसमें सारी शोभा इंद्रावती की है सुख सुख देऊ सुखे जगाऊँ साथ इंद्रावती ने उपमा में दई मारी हाथ कि सारी उपमा इंद्रावती जी को सारी शोभा इंद्रावती जी को दी है अब बिहारी जी सोच रहे फिर जब सारी शोभा इंद्रावती की हो गई है सब क्योंकि वो तो मिहिर राज के रूप में ही मानते हैं ना कि जब सारी शोभा मिहिर राज की हो गई तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इसलिए उन्होंने कहा मैं कलश को नहीं मानता उन्होंने कहा ये कलश नहीं ये तो क्लेश है क्लेश किसी को बोलते हैं दुख है ना तो ये तो दुख का साधन है ये कोई कलश वलश नहीं है इस तरह से उन्होंने कहा उन्होंने फिर से एक चिट्ठी लिखी इसके प्रति उत्तर में और कहते हैं हम तो तुमको चिन्हया तुम्हारे माहे कलाम आपके कलाम अर्थात आपकी वाणी से जो आपने कविता की रचना की है उसी वाणी से मैंने आपकी पहचान कर ली कि आप मेरे सुंदर साथ नहीं हो कहते तुम नहीं हमारे साथ में हम काड़े इस धाम तुमको मैं अब परम धाम से बहिष्कृत कर रहा हूँ अब जिस बात का सुंदर साथ को डर था वही हो गया पर क्या कहते हैं किसी कवि ने कहा सायर ने कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है होता वही है जो मंजूर खुदा होता है यदि बिहारी जी से इस प्रकार का अलगाव नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं इस तरह से खुल करके जागनी का कार्य हो ही नहीं पाता बार बार क्या होता श्री जी पूरा प्रयास करके सुंदर साथ की जागनी करते बिहारी जी के पास भेजते एक तो उतना भेजने का परिश्रम फिर वहां जाके बिहारी जी की रहनी देखते तो क्या होता एक शिव जी जैसे तो चलो सम्मान कर रहे हैं लेकिन रामजी जैसो का क्या होता धारा भाई जैसो का क्या होता रूपा भाई राधा भाई जैसो का क्या होता यदि बिहारी जी का वश चलता मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि मेरता पहुंचे होते श्री जी वहां से उन्होंने भेजा होता ललिता सखी को राजा राम झांझन भाई को वो क्या करते वहां चलो राजा राम झांझन भाई धनवान थे तो धन दे करके आत्म जागृत तो करवा लेते पर ललिता सखी जाहिरी रूप में उनकी शारीरिक जो अवस्था थी उस हिसाब से बिहारी जी का व्यवहार क्या होता है ना एक तो मेरता से नौतन धाम तक नौतनपुरी तक चल के जाए और वहाँ जा कर के फिर परिणाम ऐसा निकले तो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है कोई ना कोई कारण छिपा होता है हमें नहीं पता होता है हम चौपाई में जो प्रसंग चला है इसलिए एक बात कह रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अपने जीवन के लिए यदि हमें राज्य पर विश्वास है तो परिस्थिति कैसी भी हो हम उसको राज्य की कृपा के रूप में ही लेंगे कैसी भी परिस्थिति हो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो दुनिया के लोग भी सोचिए द्रौपदी को कितना विश्वास है जो कुछ भी हो रहा है चाहे सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद परिस्थिति हो कृष्ण जी जाते जाते पूछ रहे हैं क्या चाहिए तो बोलते दुख चाहिए क्योंकि दुख है तो हम आपको याद कर पा रहे हैं तो दुख को भी उन्होंने कृपा के रूप में लिया हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई सुखद अवसर घटित होता है तो हम कहते हैं राज्य की बड़ी कृपा है लेकिन कोई दुख हो तो तब हम कह पाते हैं कि राज्य की कृपा है यदि हम उस दुखद अवसर में भी कह पाए तो हमारा ईमान माना जाएगा कि नहीं राज्य पर हमारा पूरा ईमान है अन्यथा सोचे कि जो संसारिक दुख से दुखी हो गया इसका मतलब राज्य पर विश्वास ही नहीं है ये तो परीक्षा है ना यदि हम संसारिक दुख से दुखी हो रहे हैं होता क्या है कि हमारी सोच छोटी है हमारी बुद्धि कौन सी है अभी जीव की बुद्धि है जीव अल्पज्ञ है राज्य सर्वज्ञ है राज्य को पता है कि किसी आत्मा को क्या देना है कितना देना है कब देना है क्यों देना है कहाँ देना है कैसे देना है या फिर नहीं देना है ये सब राज्य को पता है हम क्या देखते हैं कि ये हमें नहीं मिल रहा है वास्तविकता ये है कि कुछ चीजें हमें नहीं मिल रही होती है तो उसके बदले में कुछ राज्य ऐसी चीज दे देते हैं कि तब हमें एहसास होता है कि नहीं अच्छा हुआ यदि हमें ये वो चीज़ पहले मिल गई होती तो ये नहीं मिलती आपको एक सत्य घटना में बताऊँ पुरानी कहानियां तो बहुत सारी सुन रखी है आपने लेकिन एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपके लिए नहीं होगी और सत्य घटना है टाइटेनिक जहाज डूबा है इसके विषय में आपको पता है ना टाइटेनिक के विषय में तो सब जानते हैं टाइटेनिक जहाज पहली ही यात्रा पर था तो एक परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके टिकट खरीदी थी पति पत्नी और चार बच्चों की सत्य घटना है ये छह टिकट खरीदी थी लेकिन यात्रा से तीन चार दिन पहले उस व्यक्ति के बच्चों में से एक बच्चे को उसी घर के पालतू कुत्ते ने काट लिया अब आज की तरह नहीं था उस जमाने में क्योंकि सौ सवा सौ साल पहले की घटना है ना ये चौदह इंजेक्शन लगते थे उस समय और रेबीज क्योंकि बहुत भयानक रोग होता है तो अब पहले तो चिंतित हो गए कि क्या करेंगे अब यदि जहाज में जाते हैं तो फिर इसका इलाज छूट जाएगा वो भी खतरा है पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं आप बच्चों को लेकर के चले जाइए बाकी बच्चों को मैं और ये बेटा रुक जाते हैं तो पति ने कहा कि नहीं नहीं इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है जाएंगे तो सब लोग साथ में जाएंगे अन्यथा नहीं जाएंगे सब लोगों ने टिकट कैंसिल करवा ली अब जो भी चार्ज वार्ज कटा होगा या पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा उनको पैसा थोड़ा बहुत भी लेकिन जब जहाज रवाना हुआ टाइटनिक के डूबने की घटना आई पहले तो सब उस कुत्ते को कोस रहे थे उसी घर के कुत्ते को लेकिन जब टाइटेनिक के डूबने की घटना घटना पता चली इतने सारे लोग मारे गए कोई बचा ही नहीं इस तरह से जो लोग नाव में थे ना जो जहाज डूबने से डूबे सो तो मर गए पर जो नाव में बैठ करके भाग पाए थे वो भी ठंडी की वजह से मर गए थे उन्होंने पूरे जीवन भर उस कुत्ते की पूजा की है पूजा का मतलब कि इतना आव भगत किया इतना सम्मान किया कि इस कुत्ते की वजह से सबकी जान बची नहीं तो सामान्य रूप से उस कुत्ते को कोसा जा रहा था तो ऐसी घटना एक नहीं अनेक होती रहती है जीवन में एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था तो अब उसको समय पर पहुंचना अनिवार्य था गाड़ी की प्रतीक्षा करता है कोई गाड़ी मिलती ही नहीं उस दिन एक बस थी जो नौ बजे की बस थी अंतिम उसको वह हाथ देता है रुक रुकती ही नहीं गाड़ी पूरी स्पीड में होती आगे चली जाती है तो सोचता है कि हे भगवान क्या कर दिया आपने आज मेरा इंटरव्यू है अगर मैं पास नहीं हुआ तो अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे मतलब क्या कमाऊंगा, क्या करूंगा? मेरी नौकरी नहीं लगेगी ऐसे वो कोस रहा था भगवान को परमात्मा को इतने में एक कार आती है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है वो कार में बैठता है थोड़ी दूरी पर लगभग डेढ़ दो किलोमीटर आगे बढ़ा होता है तो वो देखता है कि जिस बस में वो नहीं चढ़ पाया था वो बस बिजली के खंभे से जाके टकरा गई होती है और कर बिजली का तार उस पर गिरने से पूरे बस में करंट फैल जाती है आग लग जाती है और सारे के सारे यात्री उसमें मारे जाते हैं तो किसको कैसे मेहर हो रही है कैसे कृपा हो रही है ये हम उस समय नहीं जानते हमें कई बार समय बीतने के बाद पता चलता है और कई बार तो पता भी नहीं चलता है जो कुछ भी हो रहा है इसलिए तो वाणी क्या कहती है कि महामती कहे तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत हम कहते नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन और फिर जैसे ही थोड़ी भी परेशानी आती तो कहते कि राज जी ये क्या हो रहा है वो जब जब नजर से निकाला ही नहीं तो क्या वो नहीं देख रहे तो यहां भी जो बिहारी जी ने निष्कासन की बात की है तो ये राज्य की मेहर है हम सब सुंदर पर यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो जागनी तेजी से हो ही नहीं पाती इसी ढर्रे से आगे बढ़ती रहती ढुनमुन नीति से अब उन्होंने क्या कहा कि हम जिन साथ को काढ़िया क्यों तिनको लिया बीच दिन जिस सुंदर साथ को हमने बाहर निकाला परमधाम से तुमने उनको क्यों वापस ग्रहण किया क्यों स्वीकार किया इसीलिए तो इत तुमको हमारा छूट गया आकिन क्योंकि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था हमारे निर्णय पर विश्वास नहीं था इसीलिए अब तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर हमारे तुम्हारे नाता न रया जिन पाती करो मजकूर कहते इसलिए मैंने तुम्हें भी सुंदर साथ से निकाल दिया है अब आगे से इस तरह की चिट्ठियां मुझे मत भेजना इस तरह से पत्र लिख करके उन्होंने सूरत भेजी श्रीजी ने जब पढ़ा उसको तो लगा कि ये कैसा समय आ गया है बिहार जी को ऐसा तो लिखना नहीं चाहिए था इस तरह का विरोध तो नहीं करना चाहिए था ये तो सुंदर साहब की रहने ही नहीं है जिस तरह से वो लिख रहे हैं अब उस समय सुंदर साहब में भी आपस में जब इस बात का पता चला तो बैठ कर के मसलहत करने लग गए विचार विमर्श करने लग गए आपस में कि सुंदर साहद जी आप लोगों को क्या लगता है कि श्री देवचंद्र जी किसके अंदर विराजमान होंगे जो बिहारी जी बात बात पर सुंदर साथ को निकालते रहते हैं जो इस तरह के उठपटांग नियम बनाते रहते हैं जो इस तरह के विभेद पैदा करने का काम करते हैं क्या उनमें देवचंद्र जी की बैठक होगी या फिर श्रीजी साहब के अंदर देवचंद्र जी की बैठक है जागनी किसके द्वारा होनी है हमें किसके नेतृत्व में सेवा करनी चाहिए इस तरह से आपस में बात होती है कहते हैं बैठे श्री देवचंद्र जी किन के हृदय तुम तौल देखो इतने दोनों की रहनी में तुलना करके तो देखो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन तो इस तरह से विचार विमर्श करके सुंदर साथ को क्या कहते हैं कि ए, कही ए श्री जी साहेब जिसो तुम ले हक सिर काम कहते हैं श्री जी साहेब राज्य का जो काम है जागनी का जो काम है उसको आप अपने सिर पर लीजिए अर्थात इसका उत्तरदायित्व तो आप निभाइए सुंदर साथ को जमा करना और लोगों को सुंदर साथ में शामिल करना ये काम आपका है इसको आप ही निभाइए क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कोई उनसे साथ में लाया नहीं मान बिहार जी ने किसी को जगाया ही नहीं है किसी को राज्य की चर्चा करके पहचान दिलाई ही नहीं है और उल्टा क्या किया है जिनको आपने पहचान दिलाई है जिनको आपने पहचान कराई है वो भी जब नौतनप्री चला जाता है तो बिहार जी के विकार की वजह से उनकी विकृत मानसिकता की वजह से दुखी होकर के ही आता है और उल्टा आपकी बात पर भी संकेत संशय करने लगता है इसीलिए अब आप क्या कीजिए जागनी का जो कार्य है वो अपने ऊपर लीजिए कहते हैं अब तुम क्या देखत नज़र करो तरफ धाम ले तुम सिर आपने दीन इस्लाम का काम ये जो धर्म का कार्य है उसको आप सिरोधार्य कीजिए अब सब सुंदर साथ ने मिल करके भीम भाई को आगे कर दिया क्योंकि सूरत के सुंदर साथ में वो अग्रगण्य माने जा रहे थे वेदांत के विद्वान भी थे ज्ञान दृष्टि से भी तो भीम भाई ने आगे बढ़कर के श्रीजी को कहा कि श्रीजी साहब आप जिम्मेदारी लीजिए तो श्रीजी ने पुनः बिहारी जी के पत्र का जवाब लिखवाया और कहते हैं कि आपने तो हमें सुंदर साथ से बाहर किया पर सुंदर साथ को जगाने का कार्य हम अपने सिर पर लेते हैं कह रहे तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम हम ये काम अब अपने ऊपर ले रहे हैं अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है श्री जी क्या कहते हैं चौपे ध्यान से सुनिएगा जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएगा हम जाएंगे तित जैसा कि मैंने पहले ही कहा यदि हम पहले ही अधिकार की भावना से कि हमें अधिकार मिल जाए हमारी इज्जत हो समाज में इस तरह से सेवा के मार्ग पर चलते हैं या सेवा का दिखावा करते हैं तो हमारा कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा लेकिन यदि हम सुंदर साथ के लिए मेहनत करते हैं और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साहित्य कहते अब जागनी का जो समय है वो नजदीक है वाणी के प्रचार प्रसार का समय नजदीक है स्वार्थ के लिए दौड़ेंगे तो स्वार्थ पूरा नहीं होगा पर राजजी को पता है कि यदि हम सुंदर साथ के भले के लिए दौड़ेंगे तो राज्य हमारे साथ हैं इस तरह से जवाब लिख करके बिहारी जी को भिजवाया और इसी समय लालदास जी जो कि निन्यानबे जहाजों से व्यापार चल रहा था उनका राज्य ने उन पर भी मेहर करी कैसी मेहर उनके निन्यानबे जहाज डूब गए व्यापार चौपट हो गया हम में से कोई कहेगा कि निन्यानबे जहाज तो छोड़ दीजिए कि सामान्य अगर घर में दुकानदारी भी होगी जिसमें आप हजार पाँच सौ रुपये भी कमाते होंगे वो दुकान भी अगर खराब हो जाती है तब भी हम राज्य को कोसते हैं लेकिन लालदास जी के ऊपर जो भी घटना घटित हुई है उसको मैं राज्य की मेहर इसीलिए कह रहा हूं एक तरफ हम वाणी में कहते हैं कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खिन समान जागनी का जो आनंद है ब्रह्म लीला का जो आनंद है करोड़ों वैकुंठ का राज्य दिए जाने पर भी उसके बदले में कुछ भी नहीं है ये ब्रह्मानंद का एक पल करोड़ वैकुंठ के राज्य की तुलना में श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है तो यहां लालदास जी का क्या वैकुंठ का राज्य थोड़ी गया है पूरे गुजरात के भी वो मालिक नहीं थे निन्यानबे जहाज थे तो होंगे पर उसके बदले में लालदास जी को जो मिला उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनको क्या मिला जब ये पूछा जाता है कि पुखराज पहाड़ की जो तलहटी है अथवा बंगले की जो तलहटी है वह ठोस है कि पोल है मतलब खोखली है जमीन पे से मुक्का मार करके बता सकते हैं कि ये खोखली है या ठोस है तो ये कैसे हुआ आप लालदास जी की बड़ी वृत्त पड़ी है पता चलेगा कि उनकी सुरता ने किस तरह से परम धाम में विचरण किया है ऐसे लालदास जी ही नहीं अनेक ब्रह्म मुनि हुए जिन्होंने जाहिरी रूप में कष्ट देखा जाहिरी रूप में कोई परेशानी देखी पर बातिनी रूप में राज जी की उन पर उतनी कृपा है देखिए लालदास जी के यदि जहाज नहीं डूबे होते तो वो सेठ लक्ष्मण होते और ज्यादा से ज्यादा तीन पीढ़ी या चार पीढ़ी तक उनके घर के उनके परिवार के लोग उन्हें याद रखते आपको भी अपने पिताजी का नाम याद होगा दादाजी का नाम याद होगा परदादा का नाम किसी किसी को याद होगा उसके अलावा पर जी का सबको याद है क्यों ये जहाज डूबने के बाद ऐसे याद नहीं है ये जहाज नहीं डूबे होते तो लक्ष्मण सेठ होते हम पढ़ते तो कितना पढ़ते किसी और की बीतक पढ़ रहे होते और उसमें होता कि श्री जी ठट्ठानगर गए थे वहाँ एक लक्ष्मण करके सेठ मिले थे लेकिन उसके अलावा और कोई बीतक नहीं आती अब तो हम हर चौपाई का अर्थ करने से पहले यदि हम बीतक में से कोई भी चौपाई उठा करके हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे महामती श्री लालदास जी इसमें ऐसा कह रहे हैं बोलेंगे कि नहीं जब तक दुनिया रहेगी जब तक ब्रह्म सृष्टि इस संसार में रहेंगी तब तक लालदास जी को याद किया जाएगा और उन्हें महामति की शोभा मिली है तो ये जहाज डूबने के कारण तो क्या हुआ कि उधर का जहाज डूब गया तो इनका इधर का जहाज तर गया है बात समझ रहे मेरी उनके भौतिक जो जहाज है वो डूब गए तो उनका जीव भावसागर के जहाज से पार हो गया है और आत्मा तो सदा पार ही है तो बिहारी जी के दर्शन की इच्छा करके लालदास जी ने क्या किया भी जहाज डूब गए हैं विक्रम संबद सत्रह का समय है वहां से पहुंचते हैं सुदामापुर क्योंकि होता क्या है जहाज जैसे ही डूब गए समाज कैसा है कि ऐसा नहीं होगा कि लालदास जी ने लोगों से कर्ज़ ही लिया होगा कितने लोगों को दिया भी होगा व्यापार में लेन देन तो चलता ही है किसी को लेना है किसी को देना है पर यहाँ जैसे ही जहाज़ डूबने की खबर लोगों तक पहुंची उन्होंने सोचा कि अब तो ये दिवालिया हो चुके हैं कहीं भाग न जाए इसलिए जो जितने भी लेनदारी वाले लोग थे लेने वाले लोग थे भाई पहुंच गए लेने के लिए अब लालदास जी ने क्या किया जो भी अचल संपत्ति बची होगी मकान इत्यादि उसको बेच करके या फिर वही सौंप दिया होगा कि चलो तुम्हें जो करना है इसका कर लो मेरे पास तो इतना ही है वहाँ से सुदामापुर पहुँचे सुदामापुर में भीम भाई जी मिलते हैं पीताम्बर जी मिलते हैं और उनके साथ चर्चा होती है अब ठट्ठानगर में पहले ही श्री जी की चर्चा तो सुन चुके हैं पर ये कुछ समय कुछ अरसा बीत चुका है तो कहीं ना कहीं माया का प्रभाव तो होता ही होगा अब उनसे चर्चा सुन करके अब उनके मन में होता है मुझे नौतनपुरी जाना है बिहारी जी का दर्शन करने के लिए क्योंकि अब लालदास जी को पता नहीं है कि दो अलग अलग रास्ते हो चुके हैं वाणी क्या कहती है थे हम दो बंदे श्यामा जी के एक नस्ली एक नजरी झगड़ दो जुदे भय देने खबर पैगम्बरी हम दोनों श्यामा जी के ही बंदे थे बंदे मतलब वैसे बोलचाल की भाषा में भक्त भी कहा जाता है यहां भक्त और भगवान वाला संबंध नहीं है पर फिर भी एक समझाने के लिए कि हम दोनों श्यामा जी के ही बंदे थे एक नस्ली, नस्ली मतलब शारीरिक पुत्र रक्त संबंध वाला ब्लड रिलेशन वाला और दूसरा नजरी नजरी मतलब लोक भाषा में कहें तो धर्म पुत्र भी कह सकते हैं धर्म का जिस पर नाता हो भाव वाला जो संबंध हो तो कहते हैं झगड़ दो जुदे भाई झगड़ा करके हम दोनों अलग हो गए क्यों देने खबर पैगंबरी पैगाम देने के लिए संदेश देने के लिए तो इस तरह से अब लालदास जी को यह पता नहीं है सुदामापुर पहुंचे सुदामापुर में भीम भाई पीताम्बर जी मिलते हैं वहां पर वो चर्चा सुनते हैं अब इस समय क्या होता है कि सूरत में एक प्रसंग घटित हो रहा है उधर लालदास जी की यात्रा चलती जा रही वो साथ साथ में बताते जाएंगे लालदास जी अपनी यात्रा भी बता रहे हैं और उधर क्या हो रही थी वो घटना भी बता रहे हैं कि वहां जो गुसाई मत के लोग थे राधा वल्ल मत के लोग थे वे श्री जी की निंदा करने लग जाते हैं क्योंकि होता क्या है कि जहां श्री जी की चर्चा हो रही है लोगों का वहीं पर आवागमन ज्यादा रहता है तो वहां जब सुंदर साथ राज जी को भोग लगाते थे राज्य कई बार प्रतिदिन बाल रूप में आकर के उस भोग को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते थे अब जो निंदक होंगे वो क्या करते थे उन्होंने क्या कहा कहते हैं धर्म उन्दर पैदा भयो पाओ बांधत घुंगरी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के लिए पर्दा कर देते हैं ना राज्य को भोग लगाने के लिए अब मान लीजिए कि अंदर र... एक आड़ी का लीला उस समय कैसे होती थी कि अंदर राज जी कई बार कृष्ण जी के रूप में आ रहे हैं और आकर के वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो सुंदर साथ को एक पहचान कराने के लिए कई कभी कभी लौकिक आड़ी का लीला की आवश्यकता पड़ती है तो वो कृष्ण जी के रूप में वो घुंघरू की आवाज सुना देते हैं जो घुंघरू पहन के नाचा जाता है ना वो जो भजन गाते हैं ना पग घुंघरू बांधे मीरा नाची तो वही वाले घुंघरू पहन करके अब उसकी आवाज सुनाई पड़ती है तो जो सुंदर साथी जिनका भाव है वो तो उनका तो भाव बढ़ता है पर जो निंदा करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं धर्म उन्दरियों पैदा भयो उन्दरू कहते हैं गुजराती में चूहे को तो कहते हैं कि ये तो ऐसा धर्म पैदा हो गया है ये लोग क्या करते हैं चूहे के पैर में घुंघरू बांध करके अंदर छोड़ देते हैं तो जब चूहे इधर उधर भागते हैं तो वो घुघरुओं की आवाज आती है और अपने भक्तों के बीच में ये शोर मचा देते हैं इस बात का प्रचार करते हैं कि कृष्ण जी आकर के दर्शन देते हैं इस तरह से लोग निंदा करने लग गए कहते हैं इन भात शहर में निंदा निस्दिन हो दिन रात निंदा करने वाले लोग यही करते रहते हैं क्योंकि होता क्या है ये समाज का सिद्धांत रहा है प्राचीन काल से ही कि जिसको हरा नहीं सकते उसकी निंदा करो उसको बदनाम करो तो ये समाज में पहले से ही होता आ रहा है अब श्री जी को भी ज्ञान दृष्टि से कोई हरा नहीं सकता है लीला दृष्टि से भी कोई हरा नहीं सकता है तो वो निंदा करने लगते हैं लेकिन जितने निंदक हैं यदि सुंदर साथ तक पहुंचते हैं सुंदर साथ उनको भागवत के प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोई उनका अर्थ कोई बता नहीं पाता इस तरह से अब कहते हैं काहू को सांची भाषे कोई चर्चा सुन होवे गलित श्री जी की चर्चा किसी को बहुत सच्ची लगती है कोई चर्चा सुन करके गलित हो जाता है गल जाता है गलने का मतलब श्री जी पर समर्पित हो जाता है कोई श्री जी की स्तुति करता है और कोई निंदा भी करता है रब्द प्रश्न चर्चा का रात दिन उत हो अब श्री जी के पास प्रतिदिन प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है उन प्रश्नों की चर्चा होती रहती है और जो लोग निंदा करने के लिए आते हैं उनको जब प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं जवाब काहू ना आव क्यों उत्तर देवे सोए किसी के पास भी उत्तर नहीं है जब इस तरह की बात फैलने लगी कि श्री जी इस तरह की अलौकिक चर्चा करते हैं हर प्रश्न का जवाब वो तो दे देते हैं पर उनके प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं होता अब श्री जी की इस अलौकिक व्यक्तित्व के सामने भी बहुत सारे लोग श्री जी की चर्चा सुनने आने लगते हैं इस तरह यो एक गांठ होए चली आवने लगा नया साथ सोई चर्चा हैं जाके धनीये पकड़े हाथ धाम धनी जिसका हाथ जिसका पकड़ते हैं, ऐसे लोग चर्चा सुनने के लिए आते हैं अलग अलग बहानों से आते हैं इधर अब लालदास जी के विषय में जो प्रसंग चल रहा था सुदामापुर से वे निकले हैं और ये नियम लेकर के निकले क्या क्या किया उन्होंने अन्न का नेम लिया जब मैं करो दीदार नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार जब तक नौतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं कर लेता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा तब तक क्या करूंगा तबलो अनाज ना ले तोलो करो फल आहार केवल फल आहार करूंगा अब इस तरह से वहाँ से चले हैं पीतम्बरपुर से चल करके मांगरोल पहुंचते हैं फिर पाटन पहुंचते हैं अब वहाँ पर कोई लालदास जी को किसी कारण से गलत दिशा दिखा देता है अब कारण तो इसका पता नहीं है यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बताया है पर लालदास जी नौतनपुरी न जा करके गलत जगह पर बैठ कर के गलत स्थान पर जाते हैं गलत डायरेक्शन में पर सही जगह पर पहुँच जाते हैं कैसे जाने के लिए निकले थे नौतनपुरी लेकिन क्या हुआ कि पाटन से वे दीप बंदर पहुंचते हैं दीव वहां लगभग पंद्रह दिन तक पहुंचते हैं वहाँ के सुंदर साथ से मिलते हैं फिर यात्रा करके घोगा नामक स्थान में पहुँचते हैं जो कि एक बंदरगाह था वहाँ से नाव चढ़ के सूरत के बंदरगाह में वे उतरते हैं इस तरह से अब भले ही उनको गलत मार्गदर्शन मिला पर सही स्थान पर पहुँचे विक्रम संबत सत्रह में अब पहुँचते हैं लालदाह जी सूरत आकर श्रीजी के श्रीजी साहेब के चरणों में वे प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं आए के श्री जी साहेब जी के लगे दो कदम नियम था अनाज का सौंपी थी आत्म उन्होंने अन्न ग्रहण न करने का नियम बनाया था और धाम धनी के चरणों में उन्होंने अपनी आत्मा का समर्पण किया था श्रीजी ने क्या किया श्रीजी ने लालदास जी को कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए लालदास जी ने कहा नहीं मुझे तो मैंने अनाज ग्रहण न करने का नियम बनाया है हमको अगढ़ है अनाज जाऊं जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तीन काज बिहारी जी के चरणों में जाना है इसलिए मैंने अनाज छोड़ रखा है तो श्री जी ने क्या कहा कि अब आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है आपने राज्य से मिलने के लिए प्रण किया था वह प्रण पूरा हो चुका है आप सही स्थान पर पहुंच चुके हो तब आप श्रीमुख कहा भया पूरा तुम्हारा पन तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे संयन आप सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच चुके हो आप सुंदर साथ में पहुंच चुके हो राज्य के पास पहुंच चुके हो अब देखिए समाज में तीन पुरियां हैं तीनों पुरी अपने अपने स्थान की महिमा बताते हैं नौतनपुरी कि जो महिमा मानने वाले हैं वो कहते हैं कि यदि आप जीवन में नौतनपुरी नहीं गए तो आपकी जागणनी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे मत का जो प्रारंभिक स्थान है वह नौतनपुरी है पहले बीज उदय हुआ पूरी जहाँ नौतन अब जो महामंगलपुरी सूरत को मानने वाले हैं वैसे तो महामंगलपुरी कह के वाणी में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है बीतक में भी मंगलपुरी तो शायद ही कहीं लिखा हो फिर भी महामंगलपुरी कह करके उसको पूरी मान लिया गया तो कहते हैं कि यहाँ से जागनी की शुरुआत हुई थी यहाँ से श्री जी के तन से जागनी का असली कार्य शुरू हुआ था इसलिए इसकी महिमा है और जो पद्मावतीपुरी धाम पर आस्था रखने वाले वो कहते हैं कि श्री जी साहब आज भी विराजमान है इसलिए पन्ना की महिमा सबसे बड़ी है देखिए ये तो अकाट्य सत्य है कि पन्ना जी में श्रीजी साहब आज भी विराजमान हैं। महामती जी के हृदयधाम में युगल स्वरूप विराजमान है और जागनी के ब्रह्मांड का उसे मूल मिलावा कहा जाता है और उसे हमें हृदय में बसाना चाहिए पर केवल बाह्य मंदिर को नहीं हम कई बार क्या करते हैं हमसे गलती क्या होती है सुंदर साथ गुम्म जी का ध्यान सोचने से वो ऐसा सोचता है कि ये जो मंदिर है ना संगमरमर की जो स्थापत्य कला का एक नमूना है बहुत ही सुंदर है वैसे तो पर उसका ध्यान करता है उसका ध्यान नहीं वहाँ जो महामती जी विराजमान है उनका ध्यान करना है महामती जी के हृदय धाम में जो युगल स्वरूप विराजमान है उनका ध्यान करना है तो ये तो हो गई गुम्मट जी की बंगला जी की अथवा पन्ना जी की वास्तविकता लेकिन जो ये कहते हैं कि नौतनपुरी गए बिना जागनी नहीं मानी जाएगी तो इसका उत्तर यहां राज्य ने बीतक के माध्यम से दिया है कि लालदास जी तो कभी नौतनपुरी गए ही नहीं है नौतनपुरी की महिमा है पर महिमा कौन सी वाली है ऐतिहासिक महिमा है महत्व तो दुनिया में हर चीज का है पर सबका महत्व अलग अलग कारणों से होता है किसी का महत्व ऐतिहासिक होता है किसी का महत्व वर्तमान में भी होता है किसी का आध्यात्मिक महत्व होता है किसी का सांसारिक महत्व होता है आत्मिक आध्यात्मिक महत्व जो है वह हमारे आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है उस पहचान करने का है पर कोई ये सोचे कि नहीं नौतनपुरी गए बिना सूरत गए बिना जागनी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है जहाँ राज्य विराजमान है यदि राज्य को हृदय में विराजमान किया तो आप कहीं भी बैठें मान लीजिए कि कोई ऐसी ब्रह्मात्मा है एक उदाहरण के लिए जो अशक्त है जो अपाहिज है लेकिन उसके अंदर ब्रह्मात्मा है किसी कारण से न वो पन्ना जी जा पाती है न वो नौतनपुरी जा पाती है न वो सूरत जा पाती है लेकिन राज्य के ऊपर दृढ़ विश्वास है पूर्ण प्रेम है और प्रतिदिन राज्य की चितवनी करती है वाणी पड़ती है यथासंभव सेवा हो पाए उतनी करती है तो क्या उसकी जागनी नहीं होगी राज्य किसी भी मंदिर के किसी भी स्थान के वशीभूत नहीं है हर स्थान का अपना महत्व है यदि नौतनपुरी न जाने से जागनी नहीं होती तो लालदास जी को तो श्रीजी ने खुद ही मना कर दिया कि अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है तो हम वितक के खिलाफ क्यों जाए क्या लालदास जी की जागनी नहीं हुई बिना जागनी की क्या उनको महामती की शोभा मिल गई तो इसीलिए राज्य किसी भी स्थान के बंधन में नहीं है राज्य तो ब्रह्मात्मा के प्रेममय हृदय के बंधन में है तो ये बात हमें इस प्रसंग से सीखने को मिलती है अब आगे कहते हैं श्री महामती कहे ए मोमिनो ए शरत करो याद श्री लालदास जी कहते हैं कि अब उस स्थान को उस परिस्थिति को याद कीजिए फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े को बुनियाद अब जो झगड़ा हुआ लौकिक झगड़ा नहीं हाथापाई नहीं हुई है कहा सुनी भी नहीं हुई है पर दो अलग अलग रास्ते बन गए हैं एक गादीवाद को बढ़ावा देने वाला और दूसरा जागनी को बढ़ावा देने वाला तो वो झगड़े का जो मूल है वह है सूरत सूरत से ही झगड़ा शुरू हुआ है और वहीं से जागनी का कार्य अब आगे चलता है तो उसके विषय में आगे बता रहे हैं कि किस तरह से श्री जी के नेतृत्व में सुंदर साथ अपना तन मन धन न्यौछावर करके आगे बढ़ते हैं कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि श्री जी को सुंदर साथ ने केवल उकसाया नहीं है राजनीति में तो क्या होता है बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और आंदोलन में किसी एक व्यक्ति को आगे कर दिया जाता है तो वही एक व्यक्ति पिसता है अगर कोई ऐसा हो तो ऐसी परिस्थिति आए तो पर यहाँ सुंदर साथ ने ऐसा नहीं किया है सुंदर साथ ने क्या किया श्री जी को आगे बढ़ाया पर साथ में जागनी के लिए अपना घर बार छोड़ करके भी निकले यहाँ पर भी बहुत सारे सुंदर साथ स्वामी जी के लिए कहते तो हैं कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं साहित्य लिख रहे हैं प्रचार कर रहे हैं देखिए जागनी यात्रा में चल रहे हैं जागनी यात्रा भी जब चलनी थी तो सुंदर साथ बहुत उत्साहित लग रहे थे पर कितने लोग शामिल हुए और एक या एक जागनी यात्रा समाप्त हो गई आगे ऐसे जब तक जीवन रहेगा जब तक सेवा तन से होती रहेगी तब तक जागनी यात्रा तो होनी है पर सुंदर साथ हाँ हाँ तो मिलाते हैं पर जैसे सूरत के सुंदर साथ ने 500 की जमात है हमारे यहाँ तो 50 लोग भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते माया श्री जी को पहले आगे बढ़ाया कि आप जागने का उत्तरदायित्व तो लीजिए और फिर 500 की संख्या में घर बार छोड़ करके कैसे निकले किस तरह से अब आगे जागनी होती है इसका प्रसंग सुनेंगे हम कल अब समय पूरा होता है चौपाई दो रहिए। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए शरत करो याद फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े को बुनियाद जो झगड़े को बुनियाद बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम